सबसे अच्छा
फैट के बारे में आपको आयरन अगर आपने देखने बाय गेट सेब को और ये समझा जाता है सेब बहुत आयरन है सेब को और गोश्त को आप कंपेयर करें तो गोश्त के अंदर बाय गेट 100 ग्राम सेब ले लें 100 ग्राम गोश्त ले लें 20% ज्यादा आपको बाहर जो आयरन है वो गोश्त और गोश्त के अंदर भी सबसे ज्यादा आपको सिलेजी और तो हर चीज जो मैं भी कहती हूँ हर चीज जो अल्लाह ताला ने बताई है ना उसका फायदा है आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या खाना है कितना खाना है और ये भी कब कब खाना फ्रीक्वेंसी कितनी खानी है मतलब अब मैंने अगर आपको बता दिया ये जैसे मुरिंगा ऐसे तो फ्री अब मुरिंगा का ये मतलब नहीं है आप सुबह दोपहर शाम बस मुरिंगा डाइट पर चले गए हैं सारी दुनिया की बाकी सब्जियां आपने बंद कर दी है मुरिंगा बहुत अच्छी चीज है मैंने अपने घर में उनको दरख्त जब मुझे मिला नहीं था कहीं से मैंने दरख्त उगा दिया था कि मेरे पास मुरिंगा की एक कॉन्स्टेंट सप्लाई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मैं बाकी सारी सब्जियां खानी छोड़ दी और सिर्फ मुरिंगा खाना शुरू कर मुरिंगा के अपने फायदे हैं बहुत फायदे हैं लेकिन आपको बाकी सारी वेट बैलेंस और एक वैरायटी आपकी डाइट के अंदर जो कार्ब्स है वो आपकी रिसर्च कर रहे थे सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर डायबिटीज यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्पाइक करते हैं आपकी इंसुलिन लेवल जब आप लिमिट कर देते हो कार्बोहाइड्रेट्स की अगेन फिर मैं बात करें कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट टाइप्स की होती है एक आपके पास रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो कि एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स है एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है वो आपको सिर्फ कैलोरी जैसे मैंने कहा फिलर्स है वो आपका पेट का भर देंगे थोड़ी वक्त के लिए आपको मैदे में से या सफेद चीनी के अंदर से कोई विटामिन वगैरह नहीं मिल रहा है ठीक है ना वो सिर्फ आपको कैलोरीज मिल रही है ये सबसे घटिया किस्म का कार्बोहाइड्रेट है इसके मुकाबले में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हम कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो जैसे सब्जियों के अंदर से आपको मिल रहे हैं कि उसके अंदर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहे हैं उसके अंदर आपको एक बकेट लोड ऑफ विटामिन मिनरल्स और सबसे बड़ी बात एंटी ऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल्स वगैरह में वो मिल रहे हैं ठीक है और इसके बाद तीसरे है रेजिस्टेंट स्टार्चेस वो हैं जो आपकी बॉडी में हजम ही नहीं होते ठीक है ना और हजम नहीं होते तो फिर उसका फायदा क्या उसका फायदा ये कि जो आपके मेदे के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है प्रोबायोटिक्स हैं वो उनका खाना है वो आप ही खाएंगे वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया खाएंगे और जब वो हेल्दी बैक्टीरिया खाएंगे तो ये आपके जो अच्छे बैक्टीरिया की फौज है आपके अंदर जो भी बुरा बैक्टीरिया आएगा ये उसको लड़ सकेंगे ठीक है ना मतलब अपनी फौज को भी तो आपने खाना के खिलाफ ला के रखना है ना ये नहीं कि वो बेचारी फौज होती है तो उनका फूड जो है वो रेजिस्टेंट स्टार्चेस है ये अभी चाहे ग्रुप में बात हो रही थी कि आलू कितनी बुरी चीज है आलू तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है आलू के अंदर एक बहुत फायदे की चीज है रेजिस्टेंट स्टार्च जो कि आपके मीडे के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया उनको फीड करते हैं तो ये है कि वो चीज है आपका कोई चीज बुरी नहीं है ठीक है ना वो आप कैसे यूज करें कितनी यूज करें अगर किसी भी बारे किसी चीज के बारे में आपने मेरी राय ली कि वाकई बुरी है तो वो ये एम्प्टी कैलोरी आपके हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जिसको एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं वो क्योंकि इसके अंदर से आपको विटामिन मिनरल नहीं मिल रहे हैं ये सिर्फ आपको पेट भरने का काम कर देते हैं इसका फायदा सिर्फ उन सिचुएशंस के अंदर है जैसे सोमालिया या माफ कर कहीं पे जंग लगी हुई है कहीं पे गैस पड़ा हुआ है जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन से नहीं सिर्फ आपको पेट भरने से हो चुकी है किसी की तरह पेट का भरे और यहाँ से हम निकल जाएंगे मतलब ये सिचुएशन के अंदर आप हमको मुफ्त ये ब्रेड और ये बांटते रहे और चीनी बांटते रहे ताकि वो मतलब पेट भरा वाली बात है तो सीधे सेहत खराब उसको मिलता है ये पूछना था कि हमारे यहाँ ये बहुत कंसेप्ट है कि ये चीज गर्म है और ये चीज बॉडी को ज्यादा नहीं करती पानी ट्वाइस ज्यादा तो हमारे घर अभी बन रही है अगर व्यक्ति बन रही है तो वो मेरी मदर इन लॉ के लिए किरदार हो जाएगा आप गर्म है अंडे आप खा रहे हैं इसके ऑयल मैंने अभी दो दिन पहले वीडियो बनाई है और इसको जो है मैनेज करने का तरीका अल्लाह ताला का उसने बहुत बहुत शानदार बताया है हम खजूर की गर्मी को तरबूज की सर्दी से मुतदिल करते हैं रसूल पाक खीरे के साथ तरबूज या तरबूज खाया करते थे खजूर के साथ खीरा या तरबूज खाया करते उसकी गर्मी उसकी सर्दी को मुतदिल कर देते ठीक है आप जिसमें दो फायदे हैं एक तो ये कि उसकी गर्मी आपको हर्ट नहीं करती उसकी सर्दी आपको हर्ट नहीं करती दूसरा ना उसकी न्यूट्रिशन से आपने हाथ में है ना उसकी न्यूट्रिशन से आपको खजूर की न्यूट्रिशन मिल रही है और आपको खीरे की न्यूट्रिशन मिल रही है
तो जो जैसे आप बताइए कीटोजेनिक डाइट के ऊपर अंडे हैं आपका, ये जो है इसका नाम है कोकोनट ऑयल है, ये सारी आपकी गर्म चीजें हैं। तो इसके अंदर ये मैंने वीडियो बनाई है, आप मेहंदी ले लें या मेहंदी का पानी ले लें। मेहंदी का पानी ईजी है बनाना, उसको आपने पानी में भिगो दिया और दूसरे दिन आपने ले लिया। आपकी जो जितनी गर्म चीज है वो सब बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मुझसे पूछा था मैंने कि ये मेहंदी का पानी जो है ये हमसे पिया नहीं जाता, तो आप आइस लॉलीज बना के फ्रीजर में आइसक्रीम बना रहे, इसको आप आइस लॉली की तरह चार्ज करें। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक तबीब ने अगर आपको मेहंदी का पानी कहा है तो आपने उसको नाक बंद करके गिलास से ही पीना है। आपका जैसे दिल चाहता है कि आप उसको, ठीक है ना, आपका दिल चाहता है आप उसी आइस लॉलीज बना के उसको आइसक्रीम की तरह खाते हैं, ठीक है। इससे हमें गरज नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि ये जो आपकी मेहंदी का पानी ठंडा होता है और आपका ये जो बाकी की सारी चीजें गर्म होती है, दोनों के अंदर अपने अपने फायदे हैं। ये सब के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर आप देखने को आपको मिल जाएंगे। इन सबके फायदे हैं और हम दोनों चीजों के फायदों से फायदा उठाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम दोनों चीजों के नुकसान से डर के बैठे रहे, ना वो देना वो। और इसके अंदर बड़ी बात यह है कि मैं आपसे लोगों से पूछती हूँ, अच्छा तो केचप की क्या तासीर है? वो हमें पता नहीं इसलिए हम खाते रहते हैं। ब्रेड की क्या तासीर है? वो हमें पता नहीं हम खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें मेहंदी की तासीर का पता है, हमें तलवंजी की तासीर का पता है, हमें खजूरी और अंडों के लकड़ी की तासीर का पता है, तो इसलिए वो हम नहीं खाते। तो जिसका पिज्जे की क्या तासीर है? पिज्जे की तासीर नहीं है, वो हम जैसे मर्जी है वो खाते हैं। तो इसके अंदर ये कि थोड़ा सा इसको ना मैंने, क्योंकि ये टाइम्स आर चेंजिंग, उस चेंज के साथ हमें ये देखना है कि हमें उसको कैसे अडॉप्ट करना है और न्यूट्रिशन अपनी जगह होनी है। जो मैक्रोज और माइक्रोज के बारे में बात की जा रही है तो वो कैसे पता चलेगा आपके, मुझे नहीं आपको कैलकुलेट करने। एक तो ये कि नेट के ऊपर आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, एप्स में कैलकुलेटर्स हैं, मुझे पता चल गया कि मैंने 75% है, उसके मुताबिक मेरे इतने ग्राम कार्ब्स हैं, इतने ग्राम प्रोटीन है, इतनी फैट्स हैं। तो वो फिर उसके बाद एक चीज अगर मैंने खा ली है जैसे अंडा है या कोकोनट ऑयल है, इसमें कितना फैट है या नेट कार्ब्स है या कुछ भी है, तो वो फिर मुझे नेट पर सर्च करना पड़ेगा कि जितने भी आपको बहुत फैक्ट्री डाउन कर लें, क्रोनोमीटर या डाउनलोड कर लें, उसके अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है मैंने आज सुबह दो अंडे खाए हैं, दो चम्मच ऑलिव ऑयल के खाए हैं, एक खीरे का चम्मच दिया है, वो आपने लिख दिया, वो आपको बता देगा कि आज सुबह आपने इतने फैट्स खा लिए, इतनी प्रोटीन खा लिया। दो से चार दिन जब लगातार करते हैं इसको, फैट सीक्रेट है इसके लिए मार्केट में स्पैल है, ये अच्छी एप्स है और अपडेट करते रहते हैं साथ साथ। आपने डेली एक 1300 कैलोरीज के डाइट प्लान पे अगर आप चलें तो तकरीबन इसमें 8 से 8 चम्मच आपके फैट के बनते हैं, वो आप जिस फॉर्म में मर्जी कंज्यूम कर लें, दो ब्लूट रूट कॉफी या टी ले लें तो आपका 6 टेबल स्पून वहीं पर खत्म हो जाते हैं, आपके कंज्यूम हो जाएंगे, 2 टेबल स्पून आपके बाकी बचे आप उसको खाने में यूज करें, ये आपकी फैट की टोटल कंजम्पशन हो गई। जहां तक मीट की बात है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि 170 ग्राम ऑफ मीट से ज्यादा लेना वो बहुत से क्योंकि मॉडरेट क्वांटिटी में आपको जितने भी आपके बन रहे हैं मैक्रोस के हिसाब से तकरीबन 65 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होती है, तो वो तकरीबन आपको 200 ग्राम तक बनता है आपका वेट का मीट है। इसी तरह डॉक्टर साहब मैंने पहले भी बताया कार्ब्स की जहां तक बात है तो वो 5% 20 ग्राम नेट कार्ब्स बनते हैं, लेकिन तकरीबन 8 से 9 कप जब आपकी फेस्टिवल होती है उसमें से आप जब फाइबर निकाल के बाकी कॉन्टेंट बचता है वो वाले कार्ब्स हैं उसके नेट कार्ब्स, तो 8 से 9 कप के अंदर तकरीबन 20 नेट ग्राम कार्ब्स होते हैं, तो यू आर सपोज टू टेक 8 to 9 कप्स पर डे। जी मैंने एक क्वेश्चन था, पेशेंट्स को भी देखते हैं जैसे इसमें कोई बात आ जाती है जो आपका फीवर या पेशेंट फेज है इसके अंदर तो आपने दालें और चने नहीं देने। जब आपका कार्ब आपका फेज आता है तकरीबन 3-4 महीने बाद उसके अंदर आप हल्दी जो खास तौर पे जो है दालें दालों से ज्यादा आपके जो चने हैं लोबिया है सफेद चना है काला चना बेसिकली जो ये छिलके के साथ होते हैं इसलिए बहुत
बहुत बहुत हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जो आप दालों के अंदर भी अगर आप जिनके के साथ ले रहे हैं तो वो, यानी कि वो आपका जो आपने कार्बोहाइड्रेट का कोटा रखा हुआ है उसके अंदर रहते हुए आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना कि जब आपने छिलका उतारा ना चीज का, चावल का छिलका उतारा तो फिर चावल बन गया, वो मुझे रहते हैं। गंदम का छिलका उतारा, मैदा बनाया, मुझे रहते हैं। इसी तरह दाल का छिलका उतारा ये मुझे रहते हैं, क्योंकि अब ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है विदाउट एनी फाइबर, ठीक है ना। तो वो ये इस चीज से ये तो आप अगर लाइफ में अवॉइड करें ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन बार अगर आप काब आप ये एक दफा आप सीधा डायबिट हो गए हैं, उसके बाद अगर काब आप करते हैं और किसी दिन खराब खा लेते हैं, तो यानी कि उससे ये नहीं होगा कि आप पिछले छह महीने की सारी महीने में पानी फिर गया, सारे एंजाइम जो आपने बनाए हैं वो सारे हो गए हवा में। तो ये कि ये चीज जो है ये ऐसी नहीं होगी। आप काब आप फेस के अंदर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं, ठीक है। जो चीज लाइफ लॉन्ग आपने बंद करनी है, जो कि सब बंद करते हैं, अच्छी बात है, वो आपका मैदा और सफेद बेसिकली ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बहुत ज्यादा जरूर और ये दिस इज द कॉज ऑफ बेसिकली डायबिटीज। अलाउ करके दही की वही है, जो काबा फेस के अंदर दही के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। कीफर है, कीफर भी फर्मेंटेड में जो है मिल्क है और दही से भी ज्यादा बेनिफिशियल है। वो भी आपका एक कप जो दूध होता है उसके अंदर तकरीबन 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक कप कीफर के अंदर होते हैं वो 8 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मल्टी वाइटामिन भी लेनी चाहिए, अगर तो आप देने चाहिए रहे हैं तो ये भी ले रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा मल्टीवाइटामिन ऑर्डर कीजिए, आपको जरूरत नहीं होगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक नीड होती है, किसी को अगर आपको थैलेसीमिया है या मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम डिजीज है जिसकी वजह से कोई एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनको है, तो उसके अंदर फिर ये हमको एक वाइटामिन सब्स्टिट्यूट करना होता है। मल्टी वाइटामिन बताते खुद मैं उसके हक में नहीं, क्योंकि कोई भी मल्टी वाइटामिन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी वाइटामिन आपके रिकमेंडेड डेली अलाउंस जितना हो। उन्होंने सारे वाइटामिन कतरा डाले होते हैं, एक भी वाइटामिन एक तो सिंथेटिक होते हैं, दूसरा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके वाइटामिन ए की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है तो आपको मल्टी वाइटामिन के अंदर 1 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम, यानी कि वो आपकी आप इससे बहुत अच्छा है कि आप टारगेटेड विटामिन लें। अगर आपको B1 की कमी है B1 लें, अगर आपको B12 की कमी है B12 के टीके लगाए, जिसकी कमी विटामिन डी की कमी है विटामिन डी के टीके लगवा दें और उतने लगवाए जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है कि आपने मल्टी वाइटामिन ले ली, बहुत हेल्दी फूड ले लिया, उसके अंदर से एक तो ये कि सिंथेटिक होते हैं और जज भी नहीं होते बॉडी के अंदर, दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी आपकी डेफिशिएंसी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ही नहीं। तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो लें, उसको उतना लें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरा। वो सबसे मरिंगा ले लें या मोस ले लें, ये आपके नेचुरल मल्टी वाइटामिन है जिनको अगर आपने ज्यादा भी खा लिया तो ओवर डोजेज भी होगी, नुकसान भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन्फॉर्मेशन। हमारी कोशिश थी कि आप लोगों के सवाल के जवाब दे सके और जो सवाल तो रहते हैं बहुत थोड़ा था हमारे पास और एक इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतनी किलोमीटर के बिना पर। हाँ जी, वो तो आपकी वो है कि माशाल्लाह पहुंच गए आप इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, वीक डे के ऊपर, और ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला जो दया करते हैं और जो कुछ आपकी काबिशें हैं अल्लाह ताला उसको बेहतर डाले और ये सब कुछ।